गुड मॉर्निंग क्लास, एक्सरसाइज 5.3। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो था उसको सॉल्व किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलीनोमियल px 4x³ - 7x² + 6x - 3m इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय x प्लस 2। इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जिसमें हमने k की वैल्यू जो फाइंड की थी और यहां पर हमने m की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। यहां पर हम अगर देखें तो स्टेटमेंट में हमें वर्ड मिला हुआ है एग्जैक्टली डिवाइजिबल। एग्जैक्टली डिवाइजिबल का मतलब है कि x प्लस 2 इस पी एक्स का फैक्टर होगा और अगर x प्लस 2 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है और पी एक्स का फैक्टर होगा तो इसका मतलब है रिमाइंडर भी जो है वो जीरो होगा। तो आए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह एग्जैक्टली डिवाइड होता है x प्लस 2 में और फिर हम किस तरह इसको m की वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे। देन एज वी नो दैट डिवाइजर क्या हमें दिया हुआ है, दैट इज x प्लस 2। सो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हमें x की वैल्यू देगा -2। देन पुट x इज इक्वल टू -2 इन p ऑफ x, जो हमें गिवन p ऑफ x दिया है उसमें x की वैल्यू रखेंगे। तो जब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देन ये रिमाइंडर के इक्वल आ जाता है। तो जहां पे x है वहां पे हमने -2 रख देना है। 4 इंटू -2 का क्यूब -7 इंटू -2 का स्क्वेयर एंड प्लस 6 इंटू -2 एंड -3m। ये हमारे पास नए जो एक्सप्रेशन है वो बनेगी, x की जगह हमने -2 पुट कर दिया। देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 2 का क्यूब -2 का क्यूब जो होता है दैट इज -8 एंड यहाँ पर -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है एंड इधर -6² = 12। अब जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है। देन 4 × 8 दैट इज -32 एंड -28 -12 -3m। देन क्या आ गया हमारे पास, ये सारी की सारी जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं ये सारी नेगेटिव हैं। तो अगर हम इनको इकट्ठा करें 32 को 28 को और 12 को प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -72 -3m। यहाँ पर जैसा कि ऊपर हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो गिवन पी एक्स है वो एग्जैक्टली डिवाइजिबल है बाय x प्लस 2 के, तो देन क्या हो जाएगा, एज x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल ऑफ गिवन p ऑफ x, देयरफॉर r इज 0। क्योंकि जब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो फिर ये इसका फैक्टर बन जाता है। तो जब फैक्टर आता है हमारे पास तो फिर रिमाइंडर जो होता है वो क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। सो फिर ये जो हमारे पास रिमाइंडर ये क्या बन जाएगा, -72 -3m इज इक्वल टू 0। r की जगह हम 0 पुट कर देंगे, -3m इधर रह जाएगा, 72 उधर जाके प्लस हो जाएगा, m इधर रह गया तो 72 डिवाइडेड बाय -3, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देन m इज इक्वल टू, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 वन टाइम, 3 टू टाइम एंड 3 फोर टाइम 12। सो -22 जो है वो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज -24। नो क्लास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ पी एक्स इज, फर्स्ट पी एक्स है हमारे पास ये के एक्स क्यू प्लस 4x² + 3x - 4 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस के लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। तो यहां पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन में हमें दो पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, फर्स्ट है पी एक्स एंड सेकंड है क्यू एक्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसलिए क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है। तो दो पॉलिनोमियल्स हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स, एंड पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है दे बोथ लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, यानी दोनों का फैक्टर जो है वो एक्स माइनस थ्री है, दोनों को एक्स माइनस थ्री से हमने डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एंड डिवाइजर इज एक्स माइनस थ्री। लेट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड ये हमें एक्स की वैल्यू प्रोड्यूस करेगा थ्री, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। देन पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन पी ऑफ एक्स। तो जब हमने इसको पी ऑफ एक्स में रखना है तो एज वी नो दैट ये रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा एंड एक्स की जगह हम थ्री पुट कर देंगे, फिर जिधर जिधर एक्स है वहां पे हम थ्री पुट कर देंगे। इधर एक्स स्क्वेयर है तो थ्री का स्क्वेयर, देन थ्री इंटू थ्री माइनस फोर। नाउ आर इज इक्वल टू के, सॉरी थ्री का क्यूब क्या है, थ्री का क्यूब होता है 27, तो इसका मतलब है 27 के। देन प्लस थ्री का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 फोर्स आर 36 एंड देन 3 इंटू 3 इज 9 एंड माइनस 4। देन अगर हम देखें 36 को और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो वी गेट 36 एंड 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे देखें आ जाएगा ये 9 एंड 6 15 एंड 1 कैरी 45 माइनस 4 एंड देन 45 में से 4 को अगर हम माइनस करते हैं तो वी गेट 41। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, या फर्स्ट रिमाइंडर भी आप इसको कह सकते हैं। ऑन अदर एंड सेकंड पॉलिनोमियल के लिए जो हमारे पास डिवाइजर है वो सेम है, डिवाइजर सेम एंड दैट इज एक्स माइनस थ्री सेम। हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल लेंगे और ये हमें एक्स की वैल्यू देगा दैट इज थ्री। देन पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन क्यू ऑफ एक्स, दैट इज सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पी ऑफ एक्स एंड सेकंड इज क्यू ऑफ एक्स। जब हमने क्यू ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू रखी तो देन रिमाइंडर इज इक्वल टू क्यू इंटू थ्री इंटू एक्स क्यूब है तो ये थ्री का क्यूब आ जाएगा, देन माइनस फोर इंटू थ्री प्लस के एंड देन आर इज इक्वल टू थ्री का क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस फोर थ्री इज आर 12 प्लस के। अगर हम यहां पर देखें 27 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 27 में से 12 को माइनस किया तो दैट इज इक्वल टू 15 प्लस के, इसको हम कह देंगे इक्वेशन टू। यहां पर अब अपनी स्टेटमेंट से हमने देखना है कि स्टेटमेंट हमें कह रही है कि पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स ये दे बोथ पॉलिनोमियल्स लीव्स द रिमाइंडर सेम। तो जब इनका रिमाइंडर सेम है तो हम क्या लिखेंगे, एज पर गिवन कंडीशन कि दे बोथ लीव्स द रिमाइंडर सेम, सो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स एज पर गिवन कंडीशन दे बोथ पॉलिनोमियल्स लीव्स द सेम रिमाइंडर देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो यहां पर पी ऑफ एक्स क्या बच गया था हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन, दैट इज 27 के प्लस 41 इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। दिस अब के वाली वैल्यू एक साइड पे ले लें
ये के इधर आके माइनस हो जाएगा और 41 उधर जाके माइनस हो जाएगा. 27 के में से 1 के को माइनस किया तो वी गेट 26 के. इधर 41 में से प्लस 15 किए तो वी गेट माइनस 26 एंड देन के इधर आ जाएगा, ये 26 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज माइनस 1. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के. क्लास क्वेश्चन नंबर 6. द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय एक्स प्लस 1 इज 2b. नोट दिस, द रिमाइंडर डिवाइडिंग आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय एक्स प्लस 1 इज 2b. देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b plus 5 on being divided by x minus 2. इस क्वेश्चन में अगर हम px को डिवाइड करें x plus 1 से तो रिमाइंडर आ जाता है 2b. देन इसी एक्सप्रेशन को जब हम डिवाइड करें x minus 2 से तो फिर रिमाइंडर हमारा बचेगा, इट लीव्स रिमाइंडर b plus 5. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. यहां पर डिवाइजर क्या है हमारे पास, फर्स्ट डिवाइजर है दैट इज एक्स प्लस 1. सो लेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स गिव्स अस माइनस 1. द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम माइनस 1. देन पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इन पी ऑफ एक्स. सो जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो एज वी नो दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू माइनस 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्यूब है तो यहां पे 1 का क्यूब लेंगे एंड देन प्लस a इंटू एक्स स्क्वेयर है तो 1 माइनस 1 का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 7 एंड r इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब जो होता है माइनस 1 ही होता है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा तो a आ जाएगा देन प्लस 7 एंड r इज इक्वल टू 7 में से 1 माइनस किए तो a प्लस 6. तो एज वी नो दैट इफ दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज एज रिमाइंडर इज 2b. देयरफॉर a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b एंड दैट इज इक्वेशन 1. सिमिलरली अगेन when px is divided by x minus 2 then it leaves remainder is b plus 5. So again solving this question, as we know that px is x cube plus ax square plus 7. So as divisor is x minus 2. So put x minus 2 is equal to 0. तो ये हमें x की value 2 देगा. Now put x is equal to 2 in p of x. तो फिर जिधर p x है p of x में वहां पे हम 2 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर एंड 7. देन r इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 एंड 2 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 4a प्लस 7. तो r इज इक्वल टू 8 एंड 7 क्या बन जाएगा 15 प्लस 4a. देयरफॉर या एज रिमाइंडर इज b प्लस 5. सो यहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फिर r की जगह हम क्या लिखेंगे, b प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 4a.
बी इधर रह जाएगा, तो फाइव उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो देयर फोर 15 में से 5 माइनस किए, 4a प्लस 10 इज इक्वल टू बी, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। यहां पर हमने दो इक्वेशन जो है बना ली है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4a प्लस 10 इज इक्वल टू बी। सो यहां पर ये b की वैल्यू है, पुट b इज इक्वल टू 4a प्लस 10 इन इक्वेशन 1, तो वी गेट इक्वेशन 1 के हमारे पास यहां पर a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, a प्लस 6 2b की जगह हमने उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 6 8a प्लस 20, a 8a इधर आके माइनस हो जाएगा एंड 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 माइनस 8a में से प्लस a गए तो वी गेट माइनस 7a, 20 में से 6 को माइनस किया तो 14a इधर रह जाएगा, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू माइनस 2, सो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, पुट a इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 4a प्लस 10 इज इक्वल टू b, तो जहां पर a है वहां पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे, 4a a की जगह माइनस 2 पुट किया, देन प्लस 10 इज इक्वल टू b, तो ये क्या आ गया माइनस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू बी, 10 में से 8 माइनस किए तो b इज इक्वल टू 2, देयर फोर बी की वैल्यू क्या आ गई 2, सो हेंस a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 2, सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ a एंड b, a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 2। Now class, please, your homework is, note, here is your homework, exercise 5.3, your homework is, question number 4, 5, 6, 7, 8 and 9, question number 6, 7, 8 और 9 जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ये 6 क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए यहां पर सॉल्व कर दिया है, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड की। इसी तरह क्वेश्चन 7 में एल और एम की वैल्यू फाइंड करना है, और आगे भी चलकर हमें इसी तरह कोई किसी ना किसी वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो क्लास प्लीज नोट दिस होमवर्क एंड डू योर होमवर्क इन योर नीट रजिस्टर, और ये एक्सरसाइज हमारी क्लोज हो गई है। हाँ जी, थैंक यू।